जहां परमात्मा रहते हैं वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं, एक ऐसी लीला करते हैं, एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, लीलामय तरीके से वो बड़े होते हैं। उस परमेश्वर के परवरिश की लीला कवारी गायों के द्वारा होती है। प्रत्येक युग में परमात्मा का यही प्रमाण है, इसी का वेद साक्षी हैं। पवित्र चारों वेद उस परमेश्वर कबीर देव जी की ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। स्वयं परमेश्वर ने भी कहा था अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में कहा कि वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलो वेदन से नाही, अर्जुन वेद से मैं मिलो ये वेद जानते नाही। परमेश्वर ने बताया था कि चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरा भेद बता रहे हैं, मेरा ही रहस्य बता रहे हैं। लेकिन इन चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मेरे पाने का तरीका नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है। इसलिए जौन से वेद से यानी उस सूक्ष्म वेद से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से उच्चारण की है, अपने मुख कमल से उच्चारण की है, वो कबीर वाणी, उसमें उस परमेश्वर के पाने की विधि है, तो वो सूक्ष्म वेद है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से ना ही और जौन वेद से मैं मिलूं ये चारों वेद जानते नहीं। वह सूक्ष्म वेद परमेश्वर ने स्वयं आकर ही यहां अपनी अच्छी आत्माओं को, उन वर्णीय आत्माओं को, भक्तों को, श्रेष्ठ भक्तों को बताया है। फिर उन्होंने लिपिबद्ध करवाया है, स्वयं परमेश्वर ने भी अपनी अमरवाणी में लिपिबद्ध करवाया, लिखवाया है। तो उस ज्ञान को जो आज तक हम अवॉइड कर रहे थे, ये कह करके ये तो कबीर जी की वाणी है और ये चतुर लोग ऋषि, नकली महर्षि और नकली डुप्लीकेट गुरु ये कहा करते थे कबीर अशिक्षित है, ये ऊट पटांग बातें कर रहा है, इसको किसी सदग्रंथ का ज्ञान नहीं है क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले परमात्मा जब अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, इन नकली अज्ञानी गुरुओं ने हमसे दूर रखा और परमात्मा के बारे में ऊट पटांग बातें बना करके हमें ही अपने परमात्मा का शत्रु बना दिया। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने क्या बताया था? परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि ये तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इनकी भक्ति करने से मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती, किसी भी कर्म का, कोई भी पाप के प्रारब्ध में जो पाप कर्म है उसका नाश ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तीनों नाशवान हैं। परमात्मा कहा करते हैं कि दुर्गा इनकी माता है, ज्योति निरंजन ये सरपुरुष जिसने गीता जी का ज्ञान दिया, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, ये इनका पिता है। और ये चातुर लोग कहा करते थे कबीर जी झूठ बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयं ही स्वयंभू हैं,
सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं और यही पूजा के योग्य हैं, इन्हीं प्रभुओं की। क्योंकि ब्रह्मा जी की भक्ति पर, पूजा पर तो बैन लगा रखा था कि उसकी पूजा नहीं करनी है। अब दो भगवान बच गए शेष, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी, इनकी भक्ति और दुर्गा की भक्ति, इन तीनों देवताओं की। और फिर जो और आगे हमें बता दिया, पितृ पूजा और इस तरह के भैरव भूत बेतालों की पूजाएं, ये और शुरू करवा दी। जबकि ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि इन पूजाओं से मोक्ष नहीं होता। प्रारब्ध का जो क्रम है, संस्कार है, आप पर आपत्ति कोई आने वाली है तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसको दूर नहीं कर सकते, वो बचाव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये स्वयं भी अपने प्रारब्ध के पाप कर्म को टाल नहीं सके, भोगना ही पड़ा। उदाहरण के तौर पर जैसे श्री विष्णु जी को नारद मुनि जी ने श्राप दिया था, किस समय, जिस समय नारद जी विवाह कराना चाहते थे और एक सुंदर लड़की, राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था, नारद जी ने सोचा था कि मैं इतना हैंडसम नहीं हूं, हो सकता है मुझे लड़की पसंद ना करे, लेकिन शादी का डिटर्मिनेशन करड़ा कर लिया, अवश्य ब्याह करवाऊंगा। जबकि हफ्ते पहले यूं कह था कि मैंने माया जीत ली, मैं अब इंद्रियों के वश नहीं रहा, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक तपस्या करके अपने आप साध लिया है, अब मैं इंद्रियों से ऊपर उठ गया, वासना का नाश कर लिया। लेकिन फिर क्योंकि काल जो है, इसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि ये व्यक्ति, ये प्राणी संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे और वासनाओं को नाश कर लेंगे किसी अभ्यास से, तो फिर मेरा आहार उत्पन्न कैसे होगा? क्योंकि इस ज्योति निरंजन को, इस सर्वपुरुष को, काल भगवान को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से, इसमें से जब शरीर से में से एक सूक्ष्म शरीर में प्राणी होता है, निकल जाता है, और सारे जीवन में जो भी ये चटपटे आहार जो भी खाता पीता है, उसका भी अंश कुछ सूक्ष्म शरीर में जमा होता है, डिपॉजिट रह जाता है, उसको तपत शिला पर भून कर खाता है, इसको श्राप लग गया। तो इसको यह बात अच्छी नहीं लगती कि कोई अपनी इंद्रियों पर काबू करके संतानों उत्पत्ति ना करे। इस उद्देश्य से अब नारद मुनि के मन में यह प्रेरणा होगी कि ब्याह करवाऊं, क्योंकि राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा है, पूरा शहर सजा रखा है, स्थान स्थान पर बैंड बाजे बज रहे हैं बड़े सुरीली आवाज में, ये ब्याह के बाजे बहुत कसूते हुए और ये आदमी को विचलित कर डालते हैं। विवाह के गीत, फिर वहाँ साजबाज देख कर नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रबल इच्छा होगी। तो नारद जी ने सोचा भी मैं तो पसंद आऊँगा नहीं, क्योंकि लंबा चोटा और बाकी मुंड मुंडा रखा, क्यों ना भगवान से, श्री विष्णु जी से उनका रूप मांग लूँ, उनका वो बहुत सुंदर हैं। इसी उद्देश्य से एकांत में जाकर भगवान को याद किया, श्री विष्णु जी प्रकट हो गए, कहा क्या चाहते हो मुनि जी? नारद जी ने कहा कि मुझे हरि रूप चाहिए, हरि का रूप चाहिए, आपका रूप चाहिए। हरि माने बंदर भी होता है, संस्कृत में हरि माने बंदर भी होता है। विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब नारद जी ने सोचा कि अब तो बहुत सुंदर हो गया,
तेरे बराबर तो कोई रहा नहीं, और उसका लग गया बंदर का मुख। अब वो पहुंचा स्वयंवर में, सब देखे जानते यू के आ गया। तो उसने नारद जी ने सोचा तेरे तरफ सब देख रहे हैं, इसलिए तो बहुत सुंदर है ना, इसलिए सब सबकी दृष्टि तेरे पर ही आगे टिकी है, और लड़की ने तो पसंद कर ही लेना हूं। तो जब वो लड़की वरमाला लेकर, क्या प्रोसीजर होता था, एक पंक्ति में राउंड ऐसे पंक्ति में राजा लोग बैठ जाते थे जो उस लड़की के लिए आते थे विवाह कराने के लिए, और लड़की को स्वतंत्रता होती थी, वो जिसको चाहे उसको चुन लेती थी। स्वयंवर, स्वयंवर का अर्थ होता स्वयं अपना पति को चुनना। जब वो लड़की नारद मुनि जी के पास से आगे निकल गई तो उसने सोचा ये यूँ केचाड़ा हो गया भाई, ये क्या चक्कर हो गया कि लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया। तो उसने सोचा शायद ध्यान ना पड़ा होगा, उठ के पीछे के जाके आगे खाली चेयर थी वहाँ फिर बैठ गया जच के, और नो किस गया सबसे आगे। अब लड़की ने वो थोड़ा सा बैक होगी एक कदम और आगे चली गई। नारद जी असमंजस में पड़ गए, चक्कर के पड़ गया। तब किसी उसके साथी ने उसको दर्पण दिखा दिया कि ऋषि जी हम ही यहाँ से उठने वाले हैं तुझे देखकर, तो लड़की ने तो दूर होना ही होना था। अब देखा जब उसने अपना चेहरा कि तो बहुत बूंदा मुंह लाग दिया मेरा। तब उसने बिना गिनती की गाड़ दी श्री विष्णु जी को, तेरा नाश हो यो तो सदा छल करता आया है, और तू जैसे आज मैं एक पत्नी स्त्री की वियोग में दुख पा रहा हूँ, एक पूरा जीवन तू स्त्री के अपनी पत्नी के योग में बिताएगा, और तेरी रक्षा भी मेरे जैसे मुख वाले ही करेंगे। अब कहने का भाव यह है कि श्री विष्णु जी को यू श्राप लग गया नारद जी का। विष्णु जी ने जन्म लिया इस शापवश राजा दशरथ के घर श्री रामचंद्र के रूप में, युवा हुए, युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही कुछ दिन के बाद वनवास हुआ। वनवास में दो ही वर्ष के बाद उसकी पत्नी का अपहरण हुआ। फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, लाखों आदमी करोड़ों व्यक्ति मर गए युद्ध में, रावण के साथ युद्ध किया तो उसको छुटा कर लाए। अग्नि परीक्षा लेकर श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी को स्वीकार किया था, अग्नि में जलाने के लिए उपठा दिया था कि यदि तू जल गई तो तू कलंकित है, नहीं जली तो मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा ही किया और सीता जी नहीं जली। एक पाक साफ जानकर सैकड़ों हजारों की संख्या में उपस्थित व्यक्तियों के सामने ये परीक्षा लेकर के श्री रामचंद्र जी सीता जी को घर लाए। फिर कुछ दिनों के बाद एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया, जिसमें वो गर्भवती थी, उसके गर्भ में लव नामक पुत्र था। आजीवन सीता और श्री रामचंद्र जी का मिलाप पुनः नहीं हुआ। पुण्यात्मा, रामचंद्र जी कितने अच्छे राजा हों, कितने नेक व्यक्ति रहे हों, चाहे वो तीन लोग के भगवान भी रहे हों, जिस व्यक्ति की पत्नी बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में सुखी नहीं हो सकता। उसको रह रहकर वो कसक दुखी करती रहती है। तो इस प्रकार पूरा जीवन श्री नारद जी के शापवश अपनी पत्नी के वियोग में श्री रामचंद्र जी ने व्यतीत करना पड़ा। अर्थात श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी अपने भी पाप को, अपने भी श्राप को नहीं नाश कर सके तो औरों का ये कैसे कर सकते हैं? साधकों का पाप नाश, श्राप नाश कैसे करते हैं? अभिशाप को हो चाहे श्राप को, फिर प्रारब्ध कर्म ही होते हैं ये, जो श्राप वश भी जो भोगना होता है ये प्रारब्ध कर्मों में भी आता है, क्योंकि पूर्व के जो श्राप होते हैं वो प्रारब्ध में लिखे जाते हैं।